नमस्कार ईपीएस 95 पेंशनर फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस ये मिलेगा सभी पेंशनरों को। बिल्कुल सही बात है और आप लोग सही सुन रहे हैं, आपको मिलेगा आपका अपना हक मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस ये के रूप में। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये बंदा रोज रोज झूठ न्यूज देता है कि 7,500 प्लस ये मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? तो मैं इसी बात का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा 4 वर्षों से चल रहा है, आप सभी को पता भी है, लेकिन इन ईपीएस 95 पेंशनरों ने भिन्न भिन्न जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन और बुलडाणा में कर्मी अनशन तो आज तक चल ही रहा है, फिर भी गवर्नमेंट ने इनकी क्यों नहीं सुनी और उनको अपना हक क्यों नहीं दे रही है? और जो ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला था, वो भी दिन बर दिन आगे की डेट पर सरका दिया जाता है, क्यों? और अगली बात यह है कि अभी हाल ही में यानी कि 2 दिन पहले सीबीटी की मीटिंग हुई थी, यानी कि ईपीएफओ की तरफ से सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई थी, उसी में भी ईपीएस 95 पेंशनरों ने आस लगाकर बैठे थे कि हमारी पेंशन बढ़ जाएगी और कुछ पेंशन पर फैसला आएगा, लेकिन उस सीबीटी मीटिंग में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इन ईपीएस 95 पेंशनरों को कुछ मिला हो। तो ऐसा कब तक चलेगा और आप सभी की पेंशन कब बढ़ेगी? तो मैं इस वीडियो में आपको सही से और अच्छे से बताने वाला हूँ कि आप आखिर आप लोगों की पेंशन कब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या फिर कितनी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जानकारी के लिए मैं ऐसा बता दूं कि कोश्यारी कमिटी की तरफ से जो मांगे स्वीकृत की गई थी, जैसे कि 3,000 रुपये प्रति माह तो देना ही देना है सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को, वो भी मंजूर कर दी जाए तो भी इन्हें ईपीएस 95 पेंशनरों का कुछ भला हो सकता है, क्योंकि कुछ पेंशनर ऐसे भी हैं जिनको 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनको 1,000 रुपये या उससे भी कम पेंशन मिलती है, तो 1,000 या उससे भी कम में आज के टाइम में कुछ नहीं आता है। तो यदि 3,000 रुपये मिलते हैं प्रति माह तो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है आर्थिक स्थिति में, लेकिन 3,000 भी मेरे हिसाब से तो कम ही है। इनको कम से कम 9,000 प्लस दिए प्रति माह दिया जाए तो ही उनका अच्छा होता है और तभी सही रहता है, क्योंकि सभी ईपीएस 95 पेंशनर वृद्ध हैं और उनको मूलभूत और आवश्यकताएं फैमिली हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो इनको साथ में मेडिकल सुविधा भी मिलना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, अभी एक दिन पहले ही ईपीएस 95 पेंशनर की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एनएससी के उपराष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो क्या नाम वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने बोला था कि मैं आगामी माह यानी कि आने वाले महीने में अंत तक आप सभी की मांगे पूरी करवा के ही लूंगा। तो आने वाली महीने में उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट मंथ में मैं आप सभी की मांगे पूरी करवा कर ही रहूंगा। तो देखते हैं आगे आने वाले महीने में क्या होता है, आप सभी की मांगी पूरी होती हैं या नहीं होता है, या फिर
वीरेंद्र सिंह जी ने ऐसे ही आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले महीनों में आप सभी की मांगे पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे आने वाले महीने में अंत तक आपकी मांगे पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। और मैं जिस हिसाब से देख रहा हूं अब ईपीएस 95 पेंशनों का आंदोलन चरम स्तर पर है तो उस हिसाब से आप सभी की मांगे पूरी हो सकती है। तो फ्रेंड जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।